बहुत ही खास टॉपिक इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसका प्रकार आकार क्या होता है, सब इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। यहाँ से कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। और इसका क्या कहा जाता है, अनुप्रयोग भी यहाँ से बहुत ही अच्छा है, और कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न मैं वो भी बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि कौन कौन से एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो यहाँ से प्रश्न पहले मैं बता दूँ कि बनता कैसे है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, जान लीजिए उसे। तो जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, ये पी होता है, ये फोकस होता है, फोकस से तो एक किरण जो है टकराकर फोकस होकर जाती है हमेशा, कभी भी पहला किरण जो है टकराकर फोकस हो जाएगी, होकर जाएगी, और दूसरा किरण लंबवत पड़ती है दर्पण पर 90 डिग्री के कोण पर, और वो इसी दिशा में लौट जाती है, सी की दिशा में, यानी त्रिज्या की दिशा में लौट जाती है। अब जाती है लौट के तो ये आगे दूसरे एक दूसरे के समांतर निकलते हैं, यानी कि आगे जाकर कहीं मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो लेकिन फिर भी अनंत पर आप जाएंगे, या यूं कहें कि हम लोग रेल की पटरियों को देखते हैं तो कुछ आगे जाकर इस तरह एक दूसरे से मिली हुई नज़र आती है ना। इसी प्रकार ये भी समांतर किरणें एक दूसरे से आगे जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि अनंत पर जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो बोलेंगे हम लोग कि इस स्थिति में वस्तु ए बी, ये वस्तु ए बी है, का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अनंत पर बनता है। वह प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक यानी जो वस्तु नीचे की ओर बनता है तो वास्तविक होता है, ऊपर बनता है सीधा तो वो काल्पनिक होता है, ठीक है ना। वास्तविक है, वस्तु से बहुत ही बड़ा है, और कहाँ पर बना तो अनंत पर, है ना। ये बात लिखी तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिए कि इस स्थिति में वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अनंत पर बनता है, या प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, इस बारे में लिख लीजिए। और यहाँ से प्रश्न क्या आएंगे आपके एग्जाम में, तो उत्तल दो नंबर का आएगा कि उत्तल दर्पण में के फोकस नहीं सॉरी अवतल दर्पण के फोकस पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें, या यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। ऐसे ही ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में किरण आरेख खींचने को आ जाता है, ठीक है। तो आप जान गए तो ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा नोट्स आपका तैयार होने वाला है, और कौन कौन से आपके एग्जाम में परीक्षा में आने वाले हैं प्रश्न वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और मेरे इसी प्रकार के सभी वीडियो को पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे क्या होगा कि आपको क्या कहते हैं नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सो धन्यवाद।